सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल इंग्लिश विद प्रेम में। और आज की वीडियो में सीखने वाले हैं द मोस्ट यूजफुल और कंफ्यूजिंग यूज इन इंग्लिश लैंग्वेज विच इज यूज बाय द मैनी स्पीकर्स, दैट इज द यूज ऑफ देयर। यस, सी वी हैव टू सिमिलर वर्ड्स लाइक देयर, इट्स एज द सेम प्रोनाउंसिएशन, देयर और हेयर। सो द यूज ऑफ देयर एंड द यूज ऑफ हेयर। सी, सो In this video, we will learn the use of there in two concepts. पहले वाले concept हम समझेंगे कि here और there का meaning और उनके uses कैसे होंगे, क्योंकि देखो ये बहुत ज्यादा use किया जाता है और कई बार जिस sentence को वैसे बोला जाना चाहिए हम उसे नहीं बोल पाते। ऐसा कहा जाता है कि इंसानों की बस्ती में जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। इन द सेम सेंटेंसेस अगर हम ऐसा कहा जाता है इंसानों की बस्ती में कि जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। इन द सेम वे जिन सेंटेंसों में या तो सब्जेक्ट मिसिंग हो या ऑब्जेक्ट मिसिंग हो उनका कोई नहीं है, उनका होता है देयर। ठीक है, तो पहले वाले कॉन्सेप्ट में हम समझते हैं द यूज ऑफ देयर। देयर का मीनिंग होता है वहां, ठीक है, और हेयर का मीनिंग होता है यहां। सो कॉन्सेप्ट वन, अगर आप कोई भी हिंदी सेंटेंस बना रहे हैं विच शुड बी सिंपल, जो सिंपल है उससे सिंपल होना चाहिए, उसमें कोई वर्ब नहीं आए, बेसिकली तीन चीजें उसके अंदर हो, लाइक उसमें सब्जेक्ट हो और हेल्पिंग वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, जिसको हमने सिंपल सेंटेंसों में इज एम आर यानी है के लिए सीखा है और वॉज वर्ब कौन क्या था उसके लिए ऑलरेडी हमने इसको सीखा हुआ है। अगर आपके हिंदी सेंटेंस में स्टार्टिंग में वहां या यहां अगर ये वर्ड आ जाते हैं क्लियरली, तो उन सेंटेंस की स्टार्टिंग तो आप देयर से करते हैं या फिर हेयर से करते हैं। जैसे कि वहां एक लड़का है, ठीक है, ये एक सेंटेंस दिख रहा है आपको। सेकंड है यहां कोई नहीं है, इफ यू वांट सो यू कैन पुट हेयर था फॉर पास्ट, के वहां एक लड़का था यहां कोई नहीं था, तो बस आपको है के लिए फिलहाल अभी आप इज़ेमार यूज करोगे, तो था के लिए आपको यूज करना है वॉज वर्ब, तो आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई यहाँ पे इज़ेमार एंड वॉज वर्ब। अब सेंटेंस की स्टार्टिंग कर सकते हैं आप, वहां को बोलेंगे यर, देयर है के लिए सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, देयर इज अ बॉय, और अगर यहां लिखा होता है कि यहां कोई नहीं है सो हेयर is कोई नहीं यानी कि नो वन। आप ये दोनों सेंटेंस ऐसे भी कह सकते हैं, a boy is there, सेम हिंदी मीनिंग होगा, वहां एक लड़का है, a boy is there, और यहां कोई नहीं है, तो स्टार्टिंग कर दो no one is here, यानी कि आप देयर और हेयर को एज अ सब्जेक्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं और एज अ ऑब्जेक्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्लियरली अब दिखाई देना कि वहां एक लड़का है, तो सेंटेंस को ऐसे बोल दीजिए। अगर मैं इसको कहता कि वहां एक लड़का था तो क्या होगा, देयर वॉज अ बॉय या अ बॉय वॉज देयर, ये वाला होगा, यहां कोई नहीं है हेयर इज नो वन, और यहां हो जाएगा नो वन इज हेयर। तो अगर सेंटेंस के फॉर्मूले की बात की जाए, सो द फॉर्मूला विल बी लेट स्टार्ट द सेंटेंस विद देयर और हेयर अकॉर्डिंग टू हिंदी मीनिंग। अगर वहां पर आप इज़ेमर यूज कर रहे हैं तो डेफिनेटली हिंदी सेंटेंस क्लास में है होना चाहिए, आफ्टर दैट यू विल हैव ऑब्जेक्ट। अगर हिंदी सेंटेंस था के साथ खत्म हो रहा है कि वहां एक लड़का था, तो आपको क्या करना है, इज़ेमर को चेंज कर देना है किसके साथ, वॉज वर्ब के साथ। So this is formula and clearly you can see Hindi word वहां और यहां in your sentences. तो सेंटेंस आप आराम से easily बोल सकते हैं, ठीक है, कि वहां एक शेर है, so there is a lion या फिर a lion is there. अगर मैं कहूं कि यहां कुछ बच्चे हैं, so here are, तो are हो जाएगा क्योंकि बच्चे plural हो जाएगा, here are children, यहां हो जाएगा children are here, ठीक है। Now let's talk about second concept. See, we will use here there only. यहां पे हम केवल किसका इस्तेमाल करेंगे, there का। अब there is एम आर वॉज वर्ब एन ऑब्जेक्ट, ना विल से कॉन्सेप्ट फर्स्ट और सेकेंड का डिफरेंस है, देर इज नो डिफरेंस।
बट सिचुएशन थोड़ी सी चेंज हो जाती है वाइल स्पीकिंग द हिंदी सेंटेंस. अगर आपका हिंदी सेंटेंस थोड़ा सा बदला है ना, मीनिंग होप सेम हो सकता है बट कुछ चीजें हम चेंज कर देंगे अपने हिंदी सेंटेंसेस में. देखिए स्टार्टिंग देयर से होनी है, इज एम आर पॉसिबल लगा सकते हैं, ऑब्जेक्ट कर सकते हैं. तो आप चाहो तो अपने सेंटेंस में ऑब्जेक्ट आगे ला सकते हैं, जो आप सेंटेंस बनाओगे उसके अकॉर्डिंग आप इज एम आर लगाना और देयर वर्ड आपका लास्ट में हो जाएगा. ठीक है. अब कई बार क्या होता है कि जब आप सेंटेंस हिंदी में सोच रहे हैं या बोल रहे हैं तो उसमें या तो सब्जेक्ट मिसिंग होगा या ऑब्जेक्ट मिसिंग होगा, और जो चीज मिसिंग है वहां पर आप देयर का इस्तेमाल कर सकते हैं. अगर आपको लग रहा है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं है तो देयर को सब्जेक्ट बना दीजिए. अगर आपको लग रहा है कि यार सब्जेक्ट तो है लेकिन इसके अंदर क्या नहीं है, ऑब्जेक्ट, तो आप ऑब्जेक्ट जगह देयर रख दीजिए. चॉइस आपकी है. जैसे कि एक सेंटेंस लेते हैं, मैंने कहा एक राजा था. ठीक है, एक राजा. अब इसको आप अगर सब्जेक्ट समझ रहे हैं तो ये एक राजा यहां पे आ जाएगा, देयर आपको लास्ट में यूज करना पड़ेगा. अगर आप इसको समझ रहे हैं ऑब्जेक्ट तो ये पीछे, देयर स्टार्टिंग आ जाएगा. ठीक है, तो सेंटेंस होगा. अच्छा, इसमें बता रहे हैं कि कौन क्या था, एक राजा था. यहां पे सब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है, जो भी चूज कर लो. यानी कि ये हो गया एक एंड सेकंड. एक चीज मिसिंग है यहां पे, क्योंकि हमें तीन चीज चाहिए, तो सब्जेक्ट भी होना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब भी होना चाहिए और ऑब्जेक्ट. हेल्पिंग वर्ब ये था यहां पे क्लियरली है, तो यहां पे तो हम पॉसिबल ले लेंगे. अब इन दोनों में से एक मिसिंग है. अब मान लो मैंने कहा कि यार जो मेरा सब्जेक्ट है वो है अकिल. ठीक है, फिर मुझे था के लिए यहां पे वॉज लगाना है, तो मैंने वॉज लगा दिया, अ किंग वॉज. लेकिन क्या, तो ऐसी सिचुएशन में हम देयर को लास्ट में कर देंगे. अ किंग वॉज देयर, या फिर मैं कह सकता हूं देयर वॉज अ किंग. बहुत ही इजी है. अगर आप एक सेंटेंस सुन लें, जैसे कि मैंने कहा एक नल है. ठीक है, लास्ट में है आ रहा है तो हेल्पिंग वर्ब में तो आपने फिल कर दिया. अब एक नल, आप इसे सब्जेक्ट कहो या ऑब्जेक्ट कहो. अगर आप कहते हैं सब्जेक्ट है ये, तो ऑब्जेक्ट मिसिंग है फिर यहां. अगर आप कहते हैं ये तो ऑब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट मिसिंग है. जैसा भी है, आपके पास दो चॉइस है, आप या तो ऐसे या ऐसे सेंटेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं. तो आप ऐसे कर सकते हैं देयर इज अ टैप, या फिर अ टैप इज देयर. पहली चीज तो ये, जब आप सेंटेंस बोलेंगे जिसमें सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट मिसिंग है तो उसकी जगह पे आप देयर का इस्तेमाल कर सकते हैं. या फिर आप इसको ऐसे समझें, अगर हमें अपने सेंटेंस में ये बताना होता है कि कौन कहां है या क्या चीज कहां है. जैसे कि मेरे स्कूल में पांच लोग हैं, तो क्या चीज कहां है, चीज हो गई पांच लोग, और कहां है स्कूल में, मेरे परिवार में चार लोग हैं. ठीक है, तो अब मैं अगर सेंटेंस कह रहा हूं कि मेरे परिवार में चार लोग हैं, तो मेरे परिवार में ये हमारा एक स्थान हो गया, चार लोग हैं वो एक चीज हो गई. अब ऐसे सेंटेंस जब भी बोलने हो कि रोड पर ट्रैफिक है, जेब में पैसे हैं, तो आप इन सेंटेंसों को भी देर से बोल सकते हैं. ठीक है, जैसे कि मैंने कहा पेड़ पर एक तोता है, सो देर इज अ पैरेट ऑन ट्री. तो आप यहां पर सिचुएशन देख सकते हैं, मैंने क्या कहा कि क्या चीज कहां है, एक पेड़ पर तोता है. तो ऐसे सेंटेंस आप आराम से देयर से बना सकते हैं. चलिए कुछ इसकी प्रैक्टिस करते हैं विद सम अदर सेंटेंसेस दैट हाउ टू यूज देयर इन सेंटेंस एज अ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट. सो आई हैव सम सेंटेंसेस, मे बी फाइव. सो आप इसमें देख सकते हैं पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, एंड ऑल्सो डब्ल्यू एच इंटरगेटिव. डब्ल्यू एच इंटरगेटिव में सिर्फ एक यूज करना है आपको, इसमें दो आप यूज नहीं कर सकते. लेकिन यहां पे जैसे कोई है, ठीक है, तो मैं अगर यहां से बनाता हूं तो स्टार्टिंग में आएगा देयर, है के लिए मैं लगा दूंगा इज, और कोई को बोलूंगा समवन. देयर इज समवन, या फिर मैं कह सकता हूं, मैं समवन को आगे ले लेता हूं, समवन इज देयर. ध्यान रखना टी एच ई आई आर और टी एच ई आर ई दोनों ही देयर हैं, लेकिन ये होता है उनके और ये होता है वहां. ठीक है, इनकी स्पेलिंग्स में थोड़ा सा डिफरेंस है, प्रोनाउंसिएशन सेम है. प्यार नहीं है तो इसको देर से बोलेंगे देयर इज नो लव, या फिर कह सकते हैं नो लव इज देयर. सेकंड, कौन है, कौन को बोलेंगे हु, है को बोलेंगे इज, हु इज देयर. पानी नहीं है, देयर से बोलेंगे देयर इज नो वॉटर,
या फिर नो वॉटर इज देयर, कुछ लोग हैं, ठीक है, कुछ दुकानें हैं, कोई भी सेंटेंस हो, कुछ लोग हैं, सो स्टार्टिंग देयर से करते हैं, ये रहा फॉर्मूला, तो स्टार्टिंग होगी देयर, अब लोग बहुत सारे हैं तो इज ना लगा के आर बोलेंगे, सो देयर आर कुछ लोग, सम पीपल, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं सम पीपल आर देयर. Likewise, you can use there in your sentences when you find your subject or maybe sometime your object is missing. Okay, so this is formula, this is Hindi meaning in second concept. और first concept हमने सीखा जहां पर clearly हमें Hindi sentence में वहां और यहां clearly दिखाई देता है, हम उसको use करते हैं while pronouncing the sentence. तो आप वहां पर भी here और there का इस्तेमाल कर सकते हैं. और सेकंड में मैं आपको बता दिया आपके पास दो फॉर्मूले हैं, आप इस तरह के छोटे छोटे सेंटेंसेस जो सिंपल सेंटेंस हैं विदाउट वर्ब सेंटेंस हैं इजीली आप आराम से इन्हें सॉल्व कर सकते हैं. सो इफ यू गॉट दैट दिस वीडियो वाज बेनिफिशियल और यूजफुल फॉर यू, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक शेयर एंड कमेंट्स. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर.